लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर चुन लिए गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है। बुधवार को संसद में जब आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार छब्बेवाल ने ओम बिरला को बधाई देने के बाद डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की, तो ओम बिरला ने उन्हें डांट के बैठा दिया और कहा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है और कब नहीं, पहले कानून में पढ़िए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद क्यों जरूरी है, विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर क्यों अड़ा हुआ है और संविधान में इसको लेकर क्या नियम है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन होता है। संविधान के अनुच्छेद 95A में डिप्टी स्पीकर के रोल को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि स्पीकर के अब्सेंस में डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेंगे। सदन का संचालन करते हुए डिप्टी स्पीकर के पास वो सभी पावर होंगी जो स्पीकर के पास होती हैं। संविधान में डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर किसी तरह की कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। प्रावधान है कि डिफरेंस ही सरकार को डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट में देरी करने या उसे टालने की परमिशन देता है। पिछली बार लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली था। वैसे भी अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए डिप्टी स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने पर विपक्ष डिप्टी स्पीकर की पद की डिमांड कर रहा है। 16वीं लोकसभा में 2014-19 के दौरान बीजेपी की सहयोगी पार्टी AIDMK के नेता M. थम्बुदुरई डिप्टी स्पीकर थे। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई थी कि स्पीकर सत्ता पक्ष का तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों का होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई सहमति न बनने कारण अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी TDP से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में इस पद के लिए कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह तय करना होगा कि वह डिप्टी स्पीकर रखेंगे या नहीं। अब आपको बताते हैं कि भारत के संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर क्या कुछ लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जल्द से जल्द अपने 2 सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होगा, सदन किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को कब पद से हटाया जा सकता है इसका भी जिक्र है। डिप्टी स्पीकर को तब पद से हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते। जब डिप्टी स्पीकर खुद लिखकर अपना इस्तीफा देते हैं और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके भी हटाया जाए, ये प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही लाया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर चुन लिए गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है। बुधवार को संसद में जब आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार छब्बेवाल ने ओम बिरला को बधाई देने के बाद डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की, तो ओम बिरला ने उन्हें डांट के बैठा दिया और कहा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है और कब नहीं, पहले कानून में पढ़िए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद क्यों जरूरी है, विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर क्यों अड़ा हुआ है और संविधान में इसको लेकर क्या नियम है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन होता है। संविधान के अनुच्छेद 95A में डिप्टी स्पीकर के रोल को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि स्पीकर के अब्सेंस में डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेंगे। सदन का संचालन करते हुए डिप्टी स्पीकर के पास वो सभी पावर होंगी जो स्पीकर के पास होती हैं। संविधान में डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर किसी तरह की कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। प्रावधान है कि डिफरेंस ही सरकार को डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट में देरी करने या उसे टालने की परमिशन देता है। पिछली बार लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली था। वैसे भी अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए डिप्टी स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने पर विपक्ष डिप्टी स्पीकर की पद की डिमांड कर रहा है। 16वीं लोकसभा में 2014-19 के दौरान बीजेपी की सहयोगी पार्टी AIDMK के नेता M. थम्बुदुरई डिप्टी स्पीकर थे। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई थी कि स्पीकर सत्ता पक्ष का तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों का होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई सहमति न बनने कारण अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी TDP से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में इस पद के लिए कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह तय करना होगा कि वह डिप्टी स्पीकर रखेंगे या नहीं।
अब आपको बताते हैं कि भारत के संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर क्या कुछ लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जल्द से जल्द अपने 2 सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होगा, सदन किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को कब पद से हटाया जा सकता है, इसका भी जिक्र है। डिप्टी स्पीकर को तब पद से हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते। जब डिप्टी स्पीकर खुद लिखकर अपना इस्तीफा देते हैं और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके भी हटाया जाए, ये प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही लाया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर चुन लिए गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है। बुधवार को संसद में जब आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार छब्बेवाल ने ओम बिरला को बधाई देने के बाद डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की, तो ओम बिरला ने उन्हें डांट के बैठा दिया और कहा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है और कब नहीं, पहले कानून में पढ़िए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद क्यों जरूरी है, विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर क्यों अड़ा हुआ है और संविधान में इसको लेकर क्या नियम है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन होता है। संविधान के अनुच्छेद 95A में डिप्टी स्पीकर के रोल को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि स्पीकर के अब्सेंस में डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेंगे। सदन का संचालन करते हुए डिप्टी स्पीकर के पास वो सभी पावर होंगी जो स्पीकर के पास होती हैं। संविधान में डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर किसी तरह की कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। प्रावधान है कि डिफरेंस ही सरकार को डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट में देरी करने या उसे टालने की परमिशन देता है। पिछली बार लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली था। वैसे भी अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए डिप्टी स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने पर विपक्ष डिप्टी स्पीकर की पद की डिमांड कर रहा है। 16वीं लोकसभा में 2014-19 के दौरान बीजेपी की सहयोगी पार्टी AIDMK के नेता M. थम्बुदुरई डिप्टी स्पीकर थे। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई थी कि स्पीकर सत्ता पक्ष का तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों का होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई सहमति न बनने कारण अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी TDP से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में इस पद के लिए कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह तय करना होगा कि वह डिप्टी स्पीकर रखेंगे या नहीं। अब आपको बताते हैं कि भारत के संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर क्या कुछ लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जल्द से जल्द अपने 2 सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होगा, सदन किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को कब पद से हटाया जा सकता है, इसका भी जिक्र है। डिप्टी स्पीकर को तब पद से हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते। जब डिप्टी स्पीकर खुद लिखकर अपना इस्तीफा देते हैं और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके भी हटाया जाए, ये प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही लाया जा सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।